उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, लगातार आदरणीय महात्मा श्री संत शिरोमणि महात्मा श्री राजूदास जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराने के लिए हमारी टीम लगातार आदरणीय महात्मा जी के साथ उनके निर्देशन में लगातार कार्य कर रही है। साथियों, आप लोगों को ये जानकर भी खुशी हुई होगी कि आदरणीय महात्मा जी लगातार दिन रात एक करके दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हमारी आवाज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे रखने का लगातार कार्य कर रहे हैं। और साथियों, आदरणीय महात्मा जी ने अपने वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को आश्वस्त करने का कार्य किया है कि आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा सुरक्षित और संरक्षित करा के ही दम लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संगठनों के द्वारा जो लगातार सोशल मीडिया पे सरकार का विरोध करने का कार्य कर रहे हैं, साथियों, मैं अपने उत्तर प्रदेश के एक एक भाई बहन से कहना चाहता हूं कि जिससे हमारा कार्य होना है उसका विरोध करने से कुछ नहीं मिलता है। मानता हूं कि लगातार 4 साल से आप लोगों ने बड़े ही धैर्य का परिचय दिया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि आपके भविष्य को लेकर के हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और प्रतिदिन सफलता की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराने तक हमारी टीम दिन रात प्रयास करेगी। साथियों, आपको कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्य आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में संपन्न होगा और जिस विशालकाय यज्ञ को लेकर के लोगों में तारीख को लेकर के दुविधा उत्पन्न की जाती है, साथियों, मैं बताना चाहता हूं आदरणीय महात्मा जी ने अपने मुखारविंद से आप लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही डेट का निर्धारण करके और एक विशालकाय यज्ञ अयोध्या की पावन धरती से किया जाएगा, जिसके माध्यम से जिसका उद्देश्य है कि आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराने की घोषणा कराई जाए। साथियों, यज्ञ कोई राजनीतिक भावना के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, इसका एक उद्देश्य है कि आपके घर में खुशियों का संचार हो। इसीलिए यज्ञ की डेट में विलंब हो रहा है, क्योंकि साथियों हमारा कार्य आने वाले दिनों में होने वाला है, जिसको लेकर के लगातार लोग कमेंट भी करेंगे कि वो आने वाला समय कब आएगा। तो साथियों, ये बात आप लोगों को एकाएक बताने का कार्य किया जाएगा आदरणीय महात्मा जी के मुखारविंद से। इसलिए मैं अपने सभी जनपद के जिला अध्यक्षों से और मंडल अध्यक्षों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जनपदों में तैयार करिए और बहुत जल्द सभी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की एक मीटिंग अयोध्या की पावन धरती पर की जाएगी। और कार्यक्रम के होने से पहले ये मीटिंग सभी जिला अध्यक्षों के साथ की जानी है। आप लोग युद्ध स्तर पे तैयारी करिए और जैसे ही आप लोगों को डेट बताई जाएगी, आप लोग डेट में अयोध्या पहुंच करके मीटिंग में प्रतिभाग करने का कार्य करेंगे। साथियों, ये जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक करके चला जा रहा है और कोई भी बात सोशल मीडिया पे बयानबाजी करने का समय नहीं है। हमारी टीम अपने मिशन को लेकर के
आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और आपको शत प्रतिशत सफलता आदरणीय महात्मा जी के आशीर्वाद से और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से आप लोगों को मिलेगी। आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि आने वाला महीना आपके लिए अच्छा होगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें आदरणीय महात्मा जी पर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पर, आपका भविष्य उज्जवल होगा। साथियों, कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप हौसला बनाए रखिए और हौसले से ही आपका मान सम्मान सरकार के द्वारा वापस किया जाएगा। आप लोग कहीं से विचलित ना होइए, आपके साथ कोई राजनीति नहीं हो पाएगी। अगर कोई राजनीति करेगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। साथियों, मैंने पूर्व के ऑडियो में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मान सम्मान को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमारी टीम किसी भी स्तर तक जाकर कार्य करने के लिए तैयार है। और उन व्हाट्सएप के योद्धाओं से भी कहना चाहता हूं कि सही समय का इंतजार करिए और आने वाला समय आपके सभी सवालों का जवाब देगा। और उत्तर प्रदेश के अपनी सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं कि धैर्य को धारण कीजिए। जो धैर्य को धारण करता है निश्चित रूप से सफलता उसके कदमों को छूती है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और विश्वास रखिए हमारी टीम में, टीम पर जो आपके मान सम्मान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।